Hello everybody, I'm Vikas Karla, filmmaker and vlogger from India, Himachal Pradesh. So dog can become your best travel buddy, and this for the first time you're gonna see my boy Leo. ये भी almost 6 months का है and he loves to explore new places just like me. तो आज आए हम nearby camping करने और I hope Leo को पसंद आए ये छोटी सी outing. और अगर आज का experience अच्छा रहा तो definitely Leo के साथ थोड़ा लंबा भी travel करूँगा. Come here, चलो आ जा महाराज, कम कम कम. हेलो एवरीबॉडी, हम विकास काला, फिल्म मेकर एंड ब्लॉगर फ्रॉम इंडिया, हिमाचल प्रदेश. इवनिंग टाइम 4 बज रहे हैं अभी. तो ये एक रिवर साइड का एक व्यू है यहाँ पे. तो साथ में पानी बह रहा है. यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी लगाई है. सो आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट कैंप ओवर हियर. तो माइट भी आज मैं ना रुकूँ. मेरा थोड़ा सा मन था कि मैं थोड़े से आउटिंग करूँ. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सुंदर सी जगह ये. तो आज मैं अपने साथ कुछ कैंपिंग का सामान जो लेके चला हूँ उसमें ये अभी टेस्ट नहीं किए मैंने अंगीठी. आज इसको मैं चेक करूँगा. ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर की है. बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट्स भी हैं अमेज़ॉन पे, बट दिस वाज क्वाइट चीप. बट इसका जो मैंने रिस्पांस चेक किया है तो उसमें बताया है कि ये काफ़ी प्रैक्टिकल है. तो आज मैं इस पर खाना वाना बनाऊंगा. ये इसका एक स्टैंड आया है साथ में, तो इसको मैं बाद में चेक करूंगा. तो जिस जगह मैं कैंप कर रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत जगह है. ये लैंडस्केप आपने पहले भी देखा है. उस टाइम बरसातें हो रही थी जिस टाइम मैं आया था. और अगर आप चेक करोगे तो जो नदी के पास का किनारा है ना, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अमेजिंग है. चेक दिस व्यू. वाओ. अरे बहुत बेसिक सी चीज़ें लेके चला हूँ साथ में, जैसे कि मेरा कैंपिंग स्टोव और छोटी छोटी चीज़ें. और आज मैं बहुत ज़्यादा पैकिंग करके नहीं आया हूँ, क्योंकि हर बार मैं बहुत एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लेके चलता हूँ तो उसकी वजह से काफ़ी डिले हो जाता है. तो आज मैंने सोचा कि आई जस्ट इन्जॉय माई कैंपिंग. और ये जगह अगर आपको पसंद आई तो आप चेक कर सकते हो उसको मेरी डिस्क्रिप्शन में. माय बेबी बॉय, कम हियर कम हियर कम हियर कम हियर. इधर आओ लियो. कम लियो, कम हियर बॉय, कम हियर. कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. कैसा लग रहा है आपको? कम इधर. सो लियो आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया कैंपिंग पे. लियो आपको कहाँ बांधे भाई? इधर आ जाओ थोड़ी देर के लिए. कम कम है. ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मल्टीपर्पज़. यहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे साथ.
को यहाँ बांध दिया, कम सिट, हाँ गुड बॉय, लीन। तेरे को जितनी भी चीज़ें सिखाई ना, तेरे को कोई भी नहीं आती। चल बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नीचे बैठ जा यार, लीन डाउन बेबी बॉय, थोड़ा सा पीछे हो जा, अब अच्छे से बैठ गया। काफ़ी टाइम लगता है तेरे को एडजस्ट करने में, बट ये है कि तो अभी मैं अंगीठी मेरी रेडी है और लकड़ियाँ मैं लेके आया हूँ, लकड़ियाँ मैं लाया हूँ ऑलरेडी पैक करके, दो वुड लॉग लाया हूँ, इतने काफ़ी हैं आज के लिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ प्लान नहीं था। इस जगह को एंजॉय करने आया हूँ मैं मेजरली, ये जगह बड़ी फेवरेट है मेरी। सो ये वाले वुड लॉग्स लाया हूँ मैं आज, क्योंकि पिछली बार बड़ी दिक्कत हुई वुड लॉग्स के मामले में, और ये वाली अंगीठी है। एक दो चीज़ें और भी उसको चेक करूँगा, ये व्यू देख के ना मैं क्रेजी हो रहा हूँ, लाइक मन कर रहा है उस तरफ जाने का। सो ये वाली एक्स मैंने पिछले टूर पे मंगवाई थी, जो कि एक बार यूज़ हुई है और ऑल ओवर अच्छा एक्सपीरियंस है इसके साथ। इसको फाड़ लेते हैं, ये आराम से फट जानी चाहिए, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसमें ज़्यादा मोटी लकड़ी यूज़ नहीं होने वाली। तो हम इसको इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में रख लेंगे। तो ऐसे कुछ ही अंगीठी है, और इसके आगे ये स्टैंड लगता है, इसके ऊपर आप लकड़ियों को इस तरह करके रख सकते हो। इट्स मच मोर लाइक अ सपोर्ट सिस्टम, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, थोड़ी बहुत लकड़ियाँ इसमें डालो। इसको मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, बट ये जो बेसिक चूल्हा होता है उस तरह ही काम करती है। तो इसको जलाता हूँ पहले, उसके बाद लकड़ियाँ होगी, मैं कुछ कुक करूँगा उसके बाद। सो ये अंगीठी रेडी है, आग, ये मेरी किचन का सामान इसमें सारा रहता है, और इस बार मैं एक छोटा सा टेबल लेके आया हूँ, ये बहुत ही लाइट वेट है बिल्कुल। लियो ने फर्स्ट टाइम अपने ज़िंदगी में गाय देखी होगी, ला ला ये लियो, पहली बार देखी गाय, दही खा ले भाई, ला चलो थोड़े से खा लो, तो भी यार शहजादा है तो शहजादा लियो, तेरे को छोड़ भी नहीं सकते यहाँ पे ना, जंगली कुत्ता होता दूध तेरे को छोड़ देते आराम से, खाले खाले वो गाय कुछ नहीं बोलती तेरे को। लियो अपने खाने में बिजी है, दही में उसको कर्ड डाल के, क्योंकि इसके लिए पहला एक्सपीरियंस है, तो उसको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि भाई हम कहाँ आए हैं क्या है, घर से ये इतनी दूर शायद पहली बार आया है। इस पे आराम से बैठ जाएंगे, लकड़ियों को यहाँ रख लेता हूँ, गुड चल रहा है। बट अगर एक बार जल गया, मेरे को लग रहा है कि इसको फिर खाना पकाने का मज़ा आएगा। तो फाइनली अंगीठी में लकड़ियाँ जल तो गई हैं, अब थोड़ा देखते हैं कैसे आग पकड़ेंगी। तो आग तो इसने पकड़ लिया अच्छी, ये आपको भी कुकिंग करनी है, ये देखो मेरे को लग रहा है ये काफ़ी कन्वीनियंट स्टाइल में जल रही है, मतलब जैसे एक देसी चूल्हा जलता है ना उस तरह का। तो अभी करते हैं इस पर, चावल रखता हूँ आज, मेरा मन है कुछ
डिफरेंट कुक करने का। थोड़ा सा पानी गर्म करते हैं। आज मैं सोच रहा था रेडी टू ईट, एक मेरे पास आया है सॉसी टमाटो पास्ता विद वेजीज टाटा। ओके ओके, तो एक बंदे के लिए काफ़ी है ये, शायद बोल रहा है एक बंदे के लिए भी ज़्यादा है, बट स्पून है इसमें और एक टिश्यू पेपर है और ये प्री कुक्ड है। अच्छा, तो इसको बनाना है अगर आपने तो भाई इसको पूरा का पूरा पानी में ही सबमर्ज करना पड़ेगा, तो इतना बड़ा बर्तन तो मेरे पास है नहीं, तो अब मैं इसको किस तरह से सबमर्ज करूँ वो भी 3 से 5 मिनट के लिए, तो ये वाला आइडिया तो ड्रॉप करना पड़ेगा। सबसे जो मेन चीज़ है आज वो है चाय। चाय मिसिंग रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि चाय को हम भूल जाएंगे, हमारी अंगीठी जली रहे बस, क्योंकि उसके बाद टारगेट है हमारे फ्राइड राइस का। और तो ऐसा लग रहा है फाइनली कोटा सिक्का हमारा चल पड़ा, देख रहे हो, और जलाने में टाइम लगा इसको, बट शायद ये हेल्प आउट कर देगा। ये मेरा गैस है, ये थोड़ा सा सेटअप है जिसमें मैं सारी चीज़ें रखता हूँ, वाटर बॉटल, और अभी हम राइस उबाल रहे हैं। थोड़ा सा राइस उबल जाए तो मैं सोच रहा था आई विल कुक फ्राइड राइस, क्योंकि वो बहुत ही अमेजिंग लगते हैं बाहर आके खाने के लिए ना। तो ये देखो मेरे चावल, चावल अभी बन रहे हैं, और इस बार मैं एक और स्टोव है ये अमेज़ॉन पे, बहुत चीप रेट में अवेलेबल है, तो इसको भी चेक करूँगा मैं। अभी शायद ज़्यादा टाइम है नहीं शाम होने को। घास नहीं खाना बस, काफ़ी हो गया, थोड़ी देर एक घंटा और फिर हम घर चलेंगे। हाँ, बाहर आना तेरे को, आज तो आराम से सोएगा, थक गया है ना आज गंदा बच्चा, गुड बॉय। चावल की स्पीड बढ़िया है, पक रहे हैं चावल, काट लूं। ये ठीक है, चाय पी लेते हैं थोड़ी सी। तो आज मेरा प्लान है कि मैं फ्राइड राइस बनाऊं, और ज़्यादा चाह रहा हूँ मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना। पानी में मेरा उतरने का मन था बट अभी लेट हो गया काफ़ी, मैं चाह रहा था कि पानी में वहाँ बैठ के टांगे डाल के देन एंजॉय माय फ्राइड राइस, बट उसके लिए मैं लेट हो गया, क्योंकि जब घर से निकल रहे होते तो बहुत सारी प्रिपरेशंस रहती हैं, काफ़ी कुछ रहता है, ये करना है वो करना है, बट एक्चुअली जब आप पहुँचते हो लोकेशन पर तब डिसाइड होता है कि क्या चीज़ कर सकते हो। चाय का मज़ा, यू नो, जब तक एक अच्छा व्यू ना हो तब तक नहीं है। तो लग रहा है ऑलमोस्ट मेरे चावल भी हो गए हैं, तो चाय के साथ चावल एंजॉय करेंगे, भी फ्राइड राइस बन जाए अच्छे से। बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे पास, कम कम है, आजा इधर आजा, कहाँ भाग रहा है तू इतनी देर से,
सिट हाँ, तो बैठना नहीं मेरे पास हैं, सबको तूने तंग किया है हाँ? यहाँ से वहाँ जितने भी गऊ हैं सब पीछे भाग रहा है तू, पानी पीना तूने? हेलो पानी पियो, चल बैठ जा थोड़ी देर मेरे पास बैठ जा, मैं तेरे को यहाँ बांधता हूँ। सिट सिट सिट, नो कम हियर कम हियर, मेरे पास बैठ जा। लो जी मेरे को लग रहा है चावल हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गए हैं। मैं इसको फ्राइड राइस के लिए तैयार करूंगा और नॉनस्टिक भूज लूंगी फ्राइड राइस के लिए। काफ़ी सारी चीज़ें रेडी हैं, आई एम रेडी विद एवरीथिंग, अभी सारा कुछ कर लिया है, मशरूम बॉईल कर लिए हैं ठीक है, धनिया और गाजर और प्याज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने चॉप करके रखा है। और ये एज यूजुअल इट्स अ हार्ड कोर थिंग, बट चावल बनाने के लिए मेरे को बड़ी अच्छी लगी है, चावल जल्दी से बन गए इस पर। घी डाल देते हैं इसमें, थोड़ा सा स्पाइसी होना ज़रूरी है। इसमें एक्चुअली ज़्यादा बना दिए, तो थोड़े 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 करते हैं। ओहो तो भाई देखने में ही बड़ा टेस्टी लग रहा है, भगवान खाने में, वैसे तो मेरे को अपने में भरोसा है कि टेस्टी होगा। नज़ारा तो अब मोस्ट ऑलमोस्ट टेस्ट करके मैं आधा खा गया है इसको, और बहुत ही टेस्टी बना था।
तो आज आपको बोलते हैं यहीं पे अलविदा, एंड आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। अगर इसी तरह कंटेंट आप और देखना चाहते हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो यू वॉन्ट मिस एनी ऑफ द अपडेट फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस।